नमस्कार। जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा, क्योंकि जो लोग लास्ट मोमेंट में हमारे बच्चे बच्चे हुए हैं उनके लिए थोड़ी कोऑर्डिनेशन हो रही है, प्लस वेरी फ्रेंकली कुछ पेंडिंग काम हो गए थे पिछले 2 ढाई महीने से। चूंकि हम MBBS पे फोकस कर रहे थे तो उस पर हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। MBBS अब्रॉड जो बच्चे जा रहे हैं बाहर, उन पर ध्यान ज़्यादा है। पर फिर भी मुझे रात का समय आया, तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन वो समय कैसा वो भी समझा दूँ। तो पौंडेचेरी में राउंड 3 आ गया है अब जाके, जो कि मैंने कहा कि हर जगह राउंड 4 खत्म हो चुका है। बिहार में समय राउंड 4 चल रहा है जैसा कि हम जानते ही हैं, और बाकी हर जगह राउंड 5 का हम सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं। बट पौंडेचेरी में राउंड 3 स्टार्ट हो रहा है। सीटें बहुत सारी हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जी हाँ, तो पहले दिखाते हैं कि सीटें कितनी हैं। सीट मैट्रिक्स उन्होंने निकाल दिया है। समस्या क्या है, देखिए पौंडेचेरी में भी हिस्टोरिकली ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था राउंड 1 से पहले। तो सीट्स हैं, और सीट्स में अभी आपको सिर्फ MBBS के प्राइवेट कॉलेज में अगर दिखाऊं तो देखिए ये हो गए 3 और 3 6 2 8, लेकिन इससे ज़्यादा जो सीटें वो ये हैं, जो कि होती है 37 प्लस 37 प्लस 15, तो दैट इज समथिंग अराउंड 90। वैसे तो 12 इसमें भी हैं, जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आपको पता ही है कि वहाँ पर सरकारी कॉलेज में भी NRI की सीट है, और ये फीस होती है जो इन 3 कॉलेज में है। और फिर जैसा कि आप जानते ही हैं, ये तीनों जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तीनों की फीस 16 लाख रुपए मैनेजमेंट की होती है। NRI इन्होंने फिक्स कर रखा है 20 लाख रुपए, और NRI सीटें बहुत सारी अवेलेबल हैं। करना आपको ये है कि कल मेरा कल सुबह 11 बजे तक आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी है, ठीक है? लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी पौंडेचेरी में रजिस्टर्ड है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे तो आप अब आप नया पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप को वो ऑप्शन नहीं दे रहा रजिस्ट्रेशन करने का। आप यहाँ जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आर यू अ न्यू कैंडिडेट फॉर BDS, तो BDS के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, नॉट फॉर MBBS। और MBBS में जैसा मैंने आपको दिखाई दिया सीट्स हैं, लेकिन ये जो सीट्स हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी पौंडेचेरी में रजिस्टर्ड है, उन्हीं को मौका मिलेगा 2 लाख रुपए देने का। इन्होंने यहाँ तक भी बल्कि ऑप्शन दे दिया है कि जिनको सीट मिली थी ज्वाइन नहीं करा, जो रूल होता है ना राउंड 2 का, वो तो दोबारा से 2 लाख रुपए दे सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, बट फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड। तो ये दिक्कत है। और देखिए, जब मैंने भी आप सबको कहा था कि 500 प्लस सीटें अवेलेबल हैं मेरे लास्ट वीडियो में, तो उसमें 100 सीटें मैंने पौंडेचेरी का ही आइडिया लगाया था, और पूरी देखिए 100 सीटें अवेलेबल आ गई है राउंड 3 में। लेकिन सॉरी टू से, ये उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी पौंडेचेरी में रजिस्टर्ड। और यही शायद जितने हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो 4 महीने पहले आए थे, और मे भी ये वीडियो अगर कोई 2024 के लिए सुनता है, मैं हमेशा समझाता हूँ कि 2 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करने से पहले ना ज़्यादा मत सोचिए, तो चाहे डिपॉजिट मत दीजिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जो रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ होती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज़ होती है, राइट? तो हमें ना रजिस्ट्रेशन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये 2000 रुपये 2500 रुपये, चाहे वो जैसे कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद आपको पता है ना कि अब लोग पछता रहे हैं जी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि आपके नंबर कम थे, तब आपने सोचा भी नहीं था कि एक OC नाम की चीज़ होती है कर्नाटका में। तो शायद इस साल से ज़्यादा अगले साल के लिए एक टिप होगी, जो अगर 2024 से कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि भाई जब भी इंडिया में कोई भी स्टेट खोले, खासकर अगर आप 200 225 200 नंबर की रेंज से बिलोंग करते हैं, तो ये 2 2500 रुपये के रजिस्ट्रेशन करने से मत शर्माइए। और वही एज ए गुड काउंसलिंग कंपनी, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका भी वही इस रेंज के नंबर थे, हमने सबका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। शायद बैकअप कह लीजिए, शायद वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग खासकर प्राइवेट में 1 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं, भाई काउंसलर के 50 60 70 हज़ार रुपये और रजिस्ट्रेशन के 15 20 हज़ार रुपये देने में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आज अगर हमने वो 2000 का रजिस्ट्रेशन ही पौंडेचेरी में कर रखा होता तो हम ये 2 लाख रुपये देकर पार्टिसिपेट कर सकते थे।
लेकिन चूंकि हमने 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। यही आदमी कर्नाटका में पछता रहा है, जब कर्नाटका ने मौका दिया पर लास्ट तक नहीं देता था ना। तो जो पौंडेचेरी में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, इस्तेमाल कर लीजिए। और यही जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको एक और पता चल गया, जैसे मैंने कहा था कि हरियाणा राजस्थान हिमाचल में तो पक्का कोई सीट नहीं है, पौंडेचेरी में फिलहाल सीटें थी, 100 100+ सीटें थी, लेकिन ये उन्हीं को फिलहाल मिलेंगी जो पौंडेचेरी में रजिस्टर्ड है। मुझे डाउट है कि शायद 100 बच्चे अवेलेबल भी नहीं होंगे पौंडेचेरी में सीट लेने के लिए, क्योंकि जिन्होंने पौंडेचेरी में शुरू शुरू में रजिस्ट्रेशन किया होगा अक्सर उनको ना सीट कहीं और मिल चुकी होती है। जी हाँ, तो ये NRI सीटें थी, वैसे तो मेजोरिटी जो आपने देखा पर सब राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने लिखा ही हुआ है। जी जो जो सीट देखिए, तो इसी राउंड में मैनेजमेंट सीट, NRI सीट नॉर्मल मैनेजमेंट फीस में मिलेगी, 16 लाख की फीस रहेगी पर ईयर, तीनों कॉलेज की फीस फिक्स है। ध्यान ये रखना है कि पौंडेचेरी में 5 साल की फीस ली जाती है, ये जो 16 लाख है ना ये इंटू 5 होता है, तो 80 लाख की ट्यूशन फी, हॉस्टल वगैरह सब मिला के आपका काम 95 लाख में हो सकता है। और जो मेरी सेंस कहती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, आप देखेंगे जस्ट क्वालिफाइड नंबर पर भी आपको पौंडेचेरी में सीट मिलने वाली है बच्चे को, तो बच्चा खाली नहीं जाएगा। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और फिर से वही बात है, जो अभी भी हमसे संपर्क करना चाहें, 9643362320, जो भी राउंड 5 उम्मीद आने वाला है, कल परसों में फैसला आ जाने चाहिए, मैक्सिमम संडे मंडे तक। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आई डोंट हैव टाइम नाउ टू टॉक टू पीपल जो हमारे क्लाइंट नहीं है। तो अगर आपको हमारे क्लाइंट बनना है, आप बात करते हैं हमसे, आपको हमारी फी पे करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, और आप भगवान करे आपको अच्छी से अच्छी सीट जल्दी मिले, और आपके बच्चे की, या बच्चे सुन रहे तो आपकी MBBS की अच्छी एजुकेशन स्टार्ट हो। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।